Hello, this is Vijay Anand and I welcome you all on my YouTube channel name Track to Target। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि इसमें मैं जीके जीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे उनके वीडियोस बना के न्यूमोनिक्स के सहारे शॉर्टकट ट्रिक्स के सहारे डालूँगा सो दैट आपको रिमेंबर करने में आसानी हो, यू कैन कोरिलेट। और मैंने अपना पहला वीडियो जो है नेशनल पार्क्स इन इंडिया पर बनाया था जिसमें मैंने ईस्ट साइड में पार्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के सभी नेशनल पार्क्स को कवर भी किया है। वहाँ हमने न्यूमोनिक भी बनाया, रीला के घर में न्यू सुंदर बक्से में टाइगर मरा पड़ा है। सो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाइए और मेरा पहला वीडियो नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पार्ट वन देखिए सो दैट यू कैन रिलेट इज वेरी इजली जो मैं कहना चाहूँगा इस पार्ट में। अगर कुछ मैं रिलेट करूँगा तो आपको आसान रहेगा। स्टार्ट करता हूँ मैं अपना पहला स्टेट, इसमें बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, एक ही नेशनल पार्क है बिहार में जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेशनल पार्क बना 1990 में, इंक्लूडेड इन टाइगर रिजर्व इन 1994। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन तराई लैंडस्केप। तराई क्या हुआ? लो लैंड रीजन ऑफ साउथर्न नेपाल एंड नॉर्थर्न इंडियन। तराई जो रीजन है ना, यहाँ पे बिहार, यूपी और नेपाल के भी कुछ एरियाज़ में ये पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पर ना कम से कम 13-14 नेशनल पार्क्स हैं इस एरियाज़ में, हिमालयन तराई एरिया में। उनमें से एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक्चुअली वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को मिला के है। और वाल्मीकि जो नाम है, वाल्मीकि नगर, वहाँ पर एक फॉरेस्ट के आसपास एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क अकेला नेशनल पार्क है, जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ये 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और बेतला नेशनल पार्क के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके हर एक वर्ड का एक पार्टिकुलर रिलेशन है एनिमल के साथ। बी बाइसन, ई एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस जो है ना वो स्पॉटेड डियर को कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है, जिसको चीतल भी कहा जाता है। मैंने सबका पिक्चर भी लगाया है सो दैट आप देख पाएंगे कि बाइसन क्या है और एक्सिस क्या है। आगे बढ़ते हैं और एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, इनो ये तो आप जानते ही होंगे। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है ये एक्चुअली में, और पलामू टाइगर रिजर्व के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। एक्चुअली में पलामू टाइगर रिजर्व जो है ना वो बेतला नेशनल पार्क प्लस पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को मिला के है। और पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में एक और बात है क्या कि ये वन ऑफ द 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इसलिए मेरा जो लास्ट पॉइंट है उसमें मैंने लिखा है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम ए टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने कुछ कुछ बातें पिछले वीडियोस में कही हैं, जिनको जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें। उड़ीसा, उड़ीसा में भितरकर्णिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, दो ही नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में भी। याद करने में उतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मेरे पास न्यूमोनिक भी है उसके लिए। न्यूमोनिक क्या है? उड़ीसा के भीतर सिंपल लोग हैं। भीतरकर्णिका से रिलेटेड करेंगे, सिंपल को सिमलीपाल से रिलेटेड करेंगे। बहुत ईजी है, सिमलीपाल सिंपल आराम से कोरिलेट होगा। भीतरकर्णिका उड़ीसा के भीतर सिंपल लोग हैं, इसमें कुछ ऐसा टफ न्यूमोनिक भी नहीं, आराम से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग भीतरकर्णिका के बारे में कुछ बातें देख लें। कहाँ पर है ये? केंद्रापारा में है। नेशनल पार्क बना 1998 में। 2002 में रामसर कन्वेंशन में इसको इंक्लूड किया गया। रामसर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। और भितरकर्णिका नेशनल पार्क जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या एस्चुराइन के लिए, क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी जो है सिंपल अगर कहा जाए तो ये है जहाँ पर रिवर जहाँ सी को मिलता है ना, उस एरिया को, वहाँ जो सी को एस्चुरी कहते हैं। और इंडिया में लार्जेस्ट एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो हुगली का जो माउथ है वो सबसे बड़ा एस्चुरी बनाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। और भितरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपको सुंदरबन है। आपको पता होगा पहले वाले वीडियो में मैंने इस पर
चर्चा भी की है। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन जो है एक ट्रीटी हुआ है वेटलैंड्स पर फॉर इट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। रामसर में हुआ है, ईरान के एक शहर का नाम है रामसर, वहीं से ये नाम लिया गया है। 2 फरवरी 1971 को हुआ है। 1971 का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, मैन एंड द बायोस्फीयर मैप, वो भी 1971 में हुआ। और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए भी ये साल इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल सबको पता है, वो भी 1971 में हुआ है। 2 फरवरी को लिया गया, इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को भी मनाया जाता है। वेटलैंड डे का बहुत डाइवर्स और प्रोडक्टिव इफेक्ट है हमारी इकोसिस्टम पर, पता होगा। इस कन्वेंशन में जो डिफिनेशन लिया गया है वेटलैंड का, वो भी बहुत ब्रॉड लिया गया है। इसमें रिवर को, लैक को, अंडरग्राउंड एक्वीफायर को, वेट ग्रासलैंड को, एस्चुरीज, डेल्टा, मैंग्रोव एंड अदर कोस्टल एरिया को इंक्लूड किया गया है। सो आप देख सकते हैं इसके डिफिनेशन ब्रॉड होने से इसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है। ये हमें पानी भी देगा, फूड भी देगा, बिल्डिंग मटेरियल भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही, फ्लड कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर, क्लाइमेट चेंज में भी को भी मिटिगेट करने में ये अपना योगदान देता है। 2017 में जो इसका थीम है था वो वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिडक्शन था, और 2018 में जो थीम है इसका वेटलैंड फॉर ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। अर्बन को मैंने हाईलाइट किया, अर्बन बस आपको ध्यान में, वेटलैंड अर्बन, वेटलैंड अर्बन से बस आपको हाईलाइट किया है कि आपको बस अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप अर्बन खोजिएगा, सो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी और आप आसानी से मार दीजिएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा टफ पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क इस्टेब्लिश 1980 में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट भी है। 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सिमलीपाल के बारे में एक खासियत है कि सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में है। हेमिस जो है एल्टीट्यूड के मामले में भी बहुत ऊपर है, और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में 2009 में शामिल किया गया, और इम्पॉर्टेंट ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व के लिए भी ये बहुत फेमस है। आगे टाइगर रिजर्व जो ईस्ट रीजन मैंने कवर किया, उसमें टाइगर रिजर्व कौन कौन है? वाल्मीकि, सिमलीपाल, सुंदरबन, बक्सा, पलामू। तो इसके लिए मैंने न्यूमोनिक बनाया, बहुत सिंपल है। वाल्मीकि जी सिंपल, सुंदर, बक्से में टाइगर पाल रहे हैं। वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, सिंपल को सिमलीपाल से कोरिलेट करना है, सुंदर सुंदरबन से, बक्सा बक्से से, पलामू PAL कोरिलेट करना है। और एक और चीज़ आप कोरिलेट कर सकते हैं, PAL जो फर्स्ट थ्री वर्ड ऑफ टाइगर रिजर्व और पलामू है वो सिमिलर है लास्ट थ्री वर्ड ऑफ सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो पल पल वहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं न्यूमोनिक्स को, तो वहाँ से कोरिलेट करके आप आसानी से ऑप्शन इलिमिनेट करके सही जवाब निकाल सकते हैं। अब मेरा कंटेंट तो ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ। नेम ऑफ द नेशनल पार्क शेल्टरिंग एस्टुराइन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मैंने बहुत डिस्कस किया है इस पर, आपको पता ही होगा कि क्या है इसका आंसर। भितरकर्णिका नेशनल पार्क जो है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन द ईयर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की चर्चा एक ही जगह है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो इस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। 1992 जो सेकेंड ऑप्शन है। नेम द नेशनल पार्क ऑफ बिहार, आपको पता ही होगा बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, मैंने कहा है कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया है वन विहार नेशनल पार्क, इसलिए दिया है कि आप विहार देख के विहार को ना चुनिए, विहार विहार यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वन विहार नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, इसका कोई रिलेशन नहीं है बिहार से, इसलिए मैंने ये ऑप्शन डाला। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल पार्क, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व किसका पार्ट है? आपने स्लाइड देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा, पता चल गया होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सिमलीपाल। रामसर कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड इन विच ईयर, रामसर कब एडॉप्ट किया गया? मैंने रामसर के ईयर को लेके और एक दो तो बातें भी कही हैं, आपको याद आ गया होगा, 1971। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और इसका सही जवाब है वेटलैंड्स फॉर ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। अर्बन को ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 2017 का थीम है, वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिएक्शन। सो आप अर्बन ध्यान में रखिएगा तो थोड़ा आप वो याद रहेगा, अर्बन फ्यूचर याद रखिएगा, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर ईजिली हो जाएगा, अर्बन ध्यान में रखना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी इनपुट होगा, जो भी फीडबैक हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
दीजिए इसमें। सो थैंक यू वेरी मच।